अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे बड़ी मज़ेदार किस्म की एगलेस केक ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। होपफुली आप सबको अच्छी लगेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 कप प्लेन फ्लोर ले लिया, यानी कि 1 कप मैदा। उस पर फिर मैंने 1/2 कप कोकोआ पाउडर ऐड किया। आप कोई सा भी चॉकलेट पाउडर ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप ऑफ रिफाइंड शुगर। अगर आपके पास रिफाइंड शुगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप आम नॉर्मल जो शुगर होती है उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ये हमारे हो गए हैं सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। इनको आपने अच्छे से इस तरह स्ट्रेनर में डाल के एक जैसा करके बाउल में शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ ताकि बिल्कुल एक जैसे हो जाए। और इसकी अब कुछ शक्ल इस तरह की लग रही है कि कोको पाउडर और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, प्लेन फ्लोर, शुगर, बेकिंग पाउडर, वो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं और ये बिल्कुल सेम पाउडरी फॉर्म में आ गया हमारा मिक्सचर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये चूँकि एगलेस है, इसमें हमने एग यूज़ नहीं करना, तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बटर। और बटर को हमने लेना है 7 टेबल स्पून ऑफ बटर। यहाँ पे मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था क्योंकि फ्रिज में वो यूजुअली दूसरी हार्ड फॉर्म में होता है, तो इसको आपने हल्का सा मेल्ट कर लेना है। और ऑलमोस्ट 7 टेबल स्पून ऑफ बटर आपने यूज़ कर लेना है। आप घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद पे है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स, मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बड़े बेसिक से एक स्टेप्स हैं। और बस सारा टाइम इसी में लगना है, कुकिंग में इसका इतना टाइम नहीं लगना। अब बटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ वार्म वाटर। कप आपने वही लेना है जो हम एक बेकिंग में स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लेते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट का कप लेते हैं, वही कप यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं लेना, उससे रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करके पानी लिया है। और अब मैं इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मैं बैटर बिल्कुल एक जैसा हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम बेक करते हैं तो उसमें जो ये वाले इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो बड़ा हमारी रेसिपी को ख़राब भी कर सकते हैं और बूस्ट अप भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अब मैं इसको अच्छे से बैटर से मिक्स कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी कोई लम्स ना रह जाए। और लम्स वैसे नहीं रहता क्योंकि जब हम जो पाउडर हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना तो फिर लम्स का कोई चक्कर नहीं रहता। लेकिन चूंकि हमने पानी और बटर बाद में ऐड किया है तो बेहतर है कि उसको हम अच्छे से एक दफ़ा बीट कर लें। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है सांचा। यहाँ पे मैं सिलिकॉन का सांचा यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मैंने बटर पेपर लगा के थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लिया ताकि जब केक बेक हो जाए तो उसको निकालने में आसानी रहे। तो इसको आप, वैसे तो ये 5 मिनट वाली रेसिपी है, यानी कि सिर्फ बैटर बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने माइक्रोवेव ओवन में 180 डिग्री पे बेक कर लेना है। और आई थिंक यही बेस्ट वे रहेगा। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया था और वो इस वजह से हुआ था क्योंकि मेरा माइक्रोवेव थोड़ा इशू कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने कहा मैं चले इसको एयर फ्राई कर लेती हूँ, यानी अपने ओवन में यूज़ कर रख लेती हूँ। और अब एयर फ्राई का जो टेम्परेचर और थोड़ी टाइमिंग होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो और ये कि बच्चों ने चूँकि देख लिया था कि मामा केक बना रही हैं, और अनाया और हादिया बिल्कुल भी नहीं रुकती जब उनको पता लग जाए कि मामा केक की कोई आइटम बना रहे हैं या ब्राउनी बना रही हैं, तो बस वो मेरे बिल्कुल साथ साथ थी। मैंने बस उनको कैप्चर नहीं किया, लेकिन उनके हाथ आप यहाँ देख सकते हैं बीच में बार बार आ रहे होंगे, जिसकी वजह से ना मेरे साथ थोड़ा सा केक में स्नैप हो गया था। आगे जाके वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने उसको हैंडल कर लिया था क्योंकि बाज़ अवकात ऐसे हो जाता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है। कुछ सिनेरियो की वजह से चीज़ें आपकी उस तरह आपके हाथ में नहीं रहती, लेकिन ये कि आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो और गायब होने से कैसे बच सकते हो, वो आपको मैं बताऊँगी अब। तो यहाँ पर अब मैं रेडी करने लगी हूँ चॉकलेट गनाश केक की टॉपिंग के लिए। यहाँ मैंने लिया है ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ऑफ मिल्क, ये भी वार्म मिल्क है, और 1 टेबल स्पून ऑफ बटर, यानी 1 टेबल स्पून ऑफ बटर।
अब इन दोनों को मैं माइक्रोवेव कर लूँगी। माइक्रोवेव आप लोगों ने करना है, मेरा माइक्रोवेव ख़राब है तो इसको मैंने स्टोव पे किया था। इस तरह से इसको मेल्ट कर लेना है कि दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर सकें। फिर यहाँ पे आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, चॉकलेट चिप्स ले सकते हैं, या किसी भी किस्म की अगर आपके पास चॉकलेट पड़ी है अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये एक चॉकलेट बार पड़ी थी, डार्क चॉकलेट थी तो मेरे लिए इनफ थी, तो मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस लेना है। और चूँकि जो हमने मिक्सचर बनाया है बटर और मिल्क का वो गर्म है तो ये चॉकलेट उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। बेसिकली हमें इसको अच्छे से बस मिक्स ही करना है। तो यहाँ पर मैंने इनको छोटे पीसेस में कर लिया। फिर इसको मिक्स कर देंगे बटर एंड दूध के मिक्सचर में, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और जो हमने बैटर बनाया हुआ है यानी मिक्सचर बनाया हुआ है ये दूध का और बटर का, इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि ये जो चॉकलेट मैंने डाली है ये सॉलिड फॉर्म में थी ये उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, जाके मेल्ट हो जाए और बिल्कुल एक जैसा बैटर हो जाए। अभी यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हमने गर्म नहीं लेना कि वो कुकी हो जाए, और बस नॉर्मल सा उसको मिक्स करना है। मिक्स कर करके ये देख लें मेरा केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो ये मैं आपको टेम्परेचर माइक्रोवेव के हिसाब से बता रही हूँ कि आपने उसमें 5 मिनट के लिए ही बेक करना है 180 डिग्री पे। और गुनाश की शक्ल कुछ ऐसी है और आप मेरे केक की शक्ल देख सकते हैं। यहाँ पे मिसहैप ये हुआ था कि जब मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है ना कूल होने के लिए, ऑब्वियसली हम एकदम से उसको केक मोल्ड से निकालते नहीं हैं क्योंकि उसको पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं ताकि कोई ब्रेकेज ना हो। तो मैंने भी चूँकि इसको ठंडा होने के लिए रखा था और सडनली मुझे नहीं पता कि हादिया कहाँ से आई है और उसने ना उसको केक को अच्छे से हिला दिया मोल्ड में ही, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा क्रैक आ गया। तो वो पहले तो मैं बड़ी अपसेट हो गई, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, शुक्र है कोई गेस्ट नहीं आ रहा और मतलब बच्चों ने ही खाना है तो अब इसको इसी तरह कवर किया जाता। तो वो फिर जो चॉकलेट गनाश था वो हम इस पर ऐड कर देंगे, और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है ब्राउनी भी और चॉकलेट गनाश भी। और ये देखे कितना अच्छा थिक टेक्सचर है इसका। तो पहले तो मैं बड़ी डाउन हो गई थी कि ये बच्चों ने क्या कर दिया है, और अब चूँकि मैं उस वक्त किचन में नहीं थी, ये दोनों ही गई हैं, इनको स्मेल आई और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मामा बस हमें ब्राउनी दे दें, तो मैं कहती कि बेटा अभी उसको थोड़ा सेटल होने दें, अभी थोड़ी सी वो गर्म है, आपको मैं देती हूँ सर्व करती हूँ। तो बस ये काम हो गया। खैर फिर मैंने इसको खुद ही सॉर्ट आउट किया और कोई ऐसा इशू नहीं था क्योंकि बच्चों ने ही खानी थी। फिर बस मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डाला है और ये कुछ बंटिस पड़ी थी मेरे पास, बच्चे जैसे जैसे कहते गए उनकी पसंद के मुताबिक मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। और ये जो देखें क्रैक था इसको मैंने फिल करने के लिए यहाँ मैंने कुछ कोकोनट पाउडर ऐड किया है, और इसको अनाया अक्सर कहती थी कि मामा ये आपने स्नोफॉल डाल दी है, स्नोफॉल आ गई है हमारे केक पे, उसको बड़ी पसंद है। अक्सर मैं पैनकेक्स भी बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह ये कोकोनट स्प्रिंकल कर देती हूँ तो वो बड़ी हैप्पी होती है। तो ये जी केक ब्राउनी हमारी झटपट से रेडी हो गई है और इंतहाई मॉइस्ट और बहुत मज़ेदार थी, बहुत सॉफ्ट थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया था। आप लोगों को भी होपफुली रेसिपी पसंद आई होगी। बस ये जो मैंने छोटी छोटी आपको चीज़ें बताई हैं ना, आपने इसको मद्देनज़र रखना है और फिर आपकी जो रेसिपी है ना वो बड़ी परफेक्ट बन जाएगी, और बच्चों को दूर रखना है अपनी कुकिंग टाइम के दौरान। तो बस वो मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इवन इसी वजह से मेरा व्लॉग इतना लेट हो जाता है कि हादिया जो है ना वो माशाल्लाह सुपर एक्टिव है, अनाया कोऑपरेट कर लेती है, उसको पता होता है कि मम्मा कोई काम कर रही है तो कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहती है, क्वेश्चनिंग माशाल्लाह वो भी बहुत करती है, लेकिन जो हादिया है ना वो एक सेफ डिस्टेंस से आगे आ जाती है जिसकी वजह से मेरा अक्सर काम पेंडिंग हो जाता है, या मैं किचन में फिर स्टोव या जो भी काम कर रही होती मुझे वो बंद करके बाहर आना पड़ता है क्योंकि वो कहती है कि बस मम्मा मुझे या तो उठा लें आप या मुझे ये किचन टॉप जो होता है किचन काउंटर पे बिठा दें, तो मैंने साथ साथ सारी चीज़ें देखनी है जो कि एक बहुत रिस्की काम है, मैं इसको कभी भी नहीं बिठाती फिर मैं बाहर आ जाती हूँ, तो वो अक्सर मेरे काम पेंडिंग हो जाते हैं। फिर ये देखें अंदर से ब्राउनी की शेप कुछ इस तरह की थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार थी। तो इस वक्त मैंने बस इनको थोड़ी सी ये ब्राउनी खिला दी थी, और नेक्स्ट डे जो लेफ़्ट ओवर था ना ब्राउनी का, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे पूरा नहीं खाते तो इस पूरे जो लेफ़्ट ओवर केक का रह गया था उसको मैंने कस्टर्ड में यूज़ कर लिया था, और वो भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन गई थी।
तो बस खाना शाना खाने के बाद कुछ बच्चों को आउटिंग के लिए बाहर लेके आए, क्योंकि बहुत अच्छे से आउटडोर तो कुछ भी नहीं, हम गए नहीं, बहुत गर्मी होती है, फिर ऊपर नीचे कभी एक बच्चा बीमार हो रहा है, कभी दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये भी अराउंड 9 o'clock था रात के टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा हब्स था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये सोचा कि चलें, बहुत अर्सा हो गया बच्चों को पार्क लेके ही नहीं गए, तो चलें आज लेके चलते हैं। यहाँ पे ये एक न्यू पार्क ओपन हुआ था, तो हमने कहा चलें आज इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह का पार्क है। काफ़ी बड़ा लग रहा था, लाइट्स बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो बिल्कुल स्टार्ट में इन्होंने ये बारबेक्यू के सेटअप्स लगाए हुए थे, बहुत अच्छी सेटिंग बनाई हुई थी। इन्हीं आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छी खासी गैदरिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे तो एक बड़ा अच्छा परफेक्ट सिंक लगा हुआ था और ये एक ग्रिल लगी हुई थी बारबेक्यू के लिए। ऑब्वियसली अभी क्लीन नहीं थी, आई थिंक ये खुद ही करनी पड़ेगी, यानी कि जब भी किसी ने जो बारबेक्यू करना है तो पहले वो इसको अच्छे से क्लीन कर ले। लेकिन ये कि जब थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा ना, फिर मुझे लगता है यहाँ पे तो कोई स्पॉट हमें फ्री मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा मौसम बेहतर होता है ना, तो यहाँ के लोगों का सबसे मनपसंद जो एक एक्टिविटी होती है ना आउटडोर, वो यही होती है कि ओपन स्पेसेस और पार्क्स में जाना है और बारबेक्यू करना है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बड़ा मज़ेदार मौसम हो जाता है लाइक अक्टूबर के एंड तक। तो अभी तो खैर ये एक दो महीने ऐसे ही जाएंगे, इस वजह से वैसे लोग बैठे हुए थे, काफ़ी सिटिंग्स थी, लेकिन बारबेक्यू वाला कोई सीन नहीं था क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस हम अंदर आए और चलते चलते दूर से बच्चों ने देख लिया था कि यहाँ पे तो प्ले एरिया भी है, और प्ले एरिया यहाँ का काफ़ी डिफरेंट था। स्विंग्स थी, स्विंग्स बच्चों को दोनों को बहुत पसंद है, अनाया हादिया बहुत शौक से इंजॉय करती हैं इसको। और स्लाइड्स कुछ बहुत डिफरेंट किस्म की बनी हुई थी, लाइक आम उनकी वो स्टेयर्स वगैरह कोई नहीं थी, तो मेरे बच्चे ज़रा दूर ही थे, बड़े बच्चों के लिए थी। और अनाया थोड़ा सा हो जाती है, वो एकदम से चीज़ को ट्राई नहीं करती, उसको पहले थोड़ा समझती है, टाइम देती है, फिर बड़े आराम से उसको ट्राई करती है। तो ये देखिए बड़ी बड़ी किस्म की यहाँ पे इन्होंने स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन कोई स्टेयर केस नहीं है। ये एक का तो ये स्केयर बॉक्स सा बना हुआ था, इस पर ही बच्चों ने क्लाइंब करके तो ये स्लाइड तक जाना था, और दूसरी का भी यही था कि क्लाइंबिंग एरिया बना हुआ था, बच्चे क्लाइंब करें और ख़ुद से स्लाइड में जाएं। एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन अभी चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं वो डर रहे थे। ये देखें ना, यहाँ पे काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे थे और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बल्कि एक दो दफ़ा अनाया के बाबा ने कहा भी है कि आप आएँ मेरे साथ, मैं आपको लेके जाता हूँ, बट वो थोड़ा डर रही थी, शायद बच्चे भी बड़े थे ना उस एरिया में, तो ये कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तो बस फिर हम लोग जा रहे हैं स्विंग की तरफ, के हमारी स्विंग की तरफ बारी आ जाए, वहाँ पे बच्चियाँ बड़ा इंजॉय कर रही थी, बिल्कुल हादिया के साइज़ की, अनाया के साइज़ की, तो वो वैसे भी थोड़ा अच्छा फील करती है जो अपने एज अप्रोप्रिएट फ्रेंड्स इसकी बन जाती हैं पार्क में जाके, दोस्ती एकदम से इनकी हो जाती है। और यही एक सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि बच्चे फ़ौरन से सोशल इंटरेक्ट करें और बातें करें, खेलें। तो यहाँ पे ये दो नन्ही सी गुड़ियाँ खेल रही थी, तो अनाया ने कहा मम्मा मैंने इनके साथ खेलना है, बल्कि खुद ही उसने ऑफ़र कराई थी कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तो वो बस अभी एक दूसरे को स्विंग दे रही थी। और यहाँ पे हादी अपनी मस्ती में थी, उसने अपने एज के बच्चे ढूंढ लिए थे और वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रही थी। और ये एक छोटी सी बहुत ही कोई नन्ही मुन्नी सी स्लाइड थी, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी थी, लाइक बेबी के लिए भी बहुत छोटी थी, बस यही था कि यहाँ से क्लाइंब करे और यहाँ से स्लाइड ले ले, इधर से शुरू इधर से ख़त्म। तो अनाया कहती ये क्या है मामा, ये क्या है, मैंने कहा बेटा अब इसी स्लाइड से गुजारा करे, दूसरी पे तो आप जा नहीं रही। तो ये देखें यहाँ पे ये टर्न बाय टर्न स्विंग लिया जा रहा है, और टर्न कोई इतनी छोटी होती थी ना, लाइक 5-5 काउंट करके स्विंग लेने और चले जी अब मेरी बारी है मेरी बारी है। तो बस मुझे ये अपना बचपन याद आ रहा था कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही करते होते थे, कि ज़्यादातर बच्चों के ज़्यादा यही पसंदीदा चीज़ें होती हैं कि झूला लेना है और स्विंग लेना है, तो बारी लगा के हम लोग भी खेला करते थे। तो माशाल्लाह हादिया भी बड़ा खुश होती है बाहर आके, खुद से इंटरेक्ट करती है, खुद ही मिलती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए अकेले रहते हुए इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती है कि बच्चे ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो घबराते हैं लोगों से बात करना, उनसे मिलना। लेकिन ये है कि इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ होती रहे, लोगों से इंटरेक्ट होता रहे, तो बड़ा बड़ा एक अच्छा बिहेवियर डिवेलप हो जाता है। तो ये बस सारी
पोस्ट कोविड की चीज़ें हैं। कोविड से पहले तो बहुत अच्छा सारा कुछ सेटअप चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई और आई थिंक ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चेंज हुई हैं। तो चीज़ें बदल गई हैं, मिलना मिलाना बदल गया है, हर चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 45 मिनट स्पेंड किए थे, जिसके बाद इंतहा की गर्मी लग गई थी कि बस अब यही था कि पानी बस मिल जाए, ठंडा ठंडा पानी पी लें। तो वो मैंने गाड़ी में ही रखा हुआ था और बस ये इनको थोड़ा सा यहाँ पे और इन्जॉय करवाया कि जब तक इनकी एनर्जी बिल्कुल हो नहीं जाती यूटिलाइज। लेकिन बच्चे कहाँ थकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं थकते बाहर आके। तो गर्मी से थोड़ा सा निढाल हो रहे थे, लेकिन नहीं, उनको ये नहीं था कि गर्मी लग रही है, बस खेलना है। तो ये बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे सीसास भी लगे हुए थे और मुझे थोड़ा बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था। काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। बस ये था कि बच्चों के हिसाब से वो स्लाइड्स नहीं थी, बल्कि मैं तो कह रही थी कि नया जाओ और मज़े करो। और ये एक प्लेनेटेरियम सा बना हुआ था और ये भी सारा यानी क्लाइंबिंग स्पॉट्स थे। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन वही बात है ना, बच्चे इतना यूज टू नहीं है। अब ये बिल्कुल मतलब थोड़ा स्टार्ट करना चाह रही थी, ट्राई करना चाह रही थी, बट घबरा रही थी कि मैं गिर जाऊँगी। हालांकि मैं इसको कह रही थी कि नया मैं आपके साथ हूँ, आप ट्राई करो, लेकिन नहीं, वो अभी थोड़ा झिझक रही थी। तो होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बस ये था आज तक का मेरा छोटा सा व्लॉग। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।